पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हमने सड़कों पर बेवजह लोगों को गाय मांस का आरोप लगाते हुए उनकी मॉब लिंचिंग को देखा है, जिसमें सबसे ज्यादा निशाना जो है मॉब लिंचिंग के बहाने मुसलमानों को बनाया क्या और ना जाने कितने बेगुनाह मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया क्या। एक एक कर अगर फहरिस्त देखी जाए तो उसकी लंबी होती जाती है, क्योंकि 2014 के बाद से एक अलग तरीके की तस्वीर देश में देखने को मिली, जहां मॉब लिंचिंग के नाम पर तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। कभी जय श्री राम के नाम पर तो कभी दाढ़ी टोपी देख करके उसके ऊपर कुछ संगठनों के लोगों द्वारा टूट जाना, तो कभी गाय के नाम पर बेदर्दी से सड़कों पर दम तोड़ते हुए हमने अखलाक को भी देखा है, तो पहलू खान को भी देखा है। तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आती हैं। और इसके बाद हमने उत्तर प्रदेश से कासिम की उस तस्वीर को भी देखा है, जहां पहले तो उन्हें कुछ गौरक्षक गुंडों द्वारा पीटा जाता है और फिर पुलिस द्वारा जो बर्बरता उसकी बॉडी के साथ की जाती है उस तस्वीर को भी देखा है। मॉब लिंचिंग के नाम पर जहां केंद्र की सरकार को एक सख्त लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जरूरत थी, एक सख्त कानून बनाने की जरूरत थी, पर उसे नजरअंदाज कर दिया क्या। और अगर देखा जाए तो हमने ऊना कांड के बाद देश के प्रधानमंत्री को बोलते हुए तो सुना कि मेरे देश के दलित भाइयों को कुछ मत कहना, अगर हो तो मुझे मार देना पर उन्हें कुछ मत कहना, पर देश के मुसलमानों को एक एक कर कभी गाय के नाम पर कभी जय श्री राम के नाम पर निशाना बनाते रहे, पर देश के प्रधानमंत्री से एक ट्वीट तक नहीं हो पाया। ये तस्वीर थी और इनके हौसले बुलंद होते गए, क्योंकि इनके जो आका हैं वो खामोश थे, और जब आका खामोश थे तो एक सख्त कानून बनाने की जरूरत केंद्र सरकार को थी, जो आज तक कभी भी केंद्र सरकार हर बिल तो पास करवा देती है लोकसभा में, पर आज तक मॉब लिंचिंग के नाम पर कोई कानून पास नहीं करा पाई। पर केंद्र सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा जो है वो बंगाल की सरकार ने जड़ा है, तो अब बंगाल की सरकार के बाद झारखंड ने भी एक करारा तमाचा जड़ दिया है। अब मॉब लिंचिंग को लेकर के एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मॉब लिंचिंग का ड्राफ्ट तैयार किया गया है और साफ तौर पर कहा है कि मॉब लिंचिंग के नाम पर अगर किसी की भी जान ली गई तो उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी, और साथ ही साथ अगर कोई घायल भी होता है मॉब लिंचिंग में तो 10 साल की सजा उसे दी जाएगी। बंगाल और झारखंड ने यह कदम उठा करके मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है। क्या कुछ इस ड्राफ्ट में लिखा गया है उसे आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके, और अगर ये वीडियो Facebook, Insta, Twitter पर देख रहे हैं तो Insta, Twitter पर हमें फॉलो कीजिए और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। क्या कुछ लिखा गया है प्रिवेंशन ऑफ मॉब लिंचिंग बिल के ड्राफ्ट में, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में अगर मॉब लिंचिंग से किसी की जान गई तो दोषी को मौत की सजा मिलेगी। ये व्यवस्था पश्चिम बंगाल में पहले से लागू है, अब झारखंड में भी इस कानून को लागू किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग की घटना रोकने के लिए राज्य सरकार ने दी झारखंड प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार झारखंड के लोगों की संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये बिल ला रही है। इसमें दोषियों के विरुद्ध 3 तरह की सजा का प्रावधान है। लिंचिंग की घटना में मौत होने पर दोषी को मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान किया गया है, ताकि राज्य में हिंसक भीड़ द्वारा किसी को क्षति पहुंचाने या मौत की नींद सुलाने का कोई दुस्साहस ना कर सके। तो ड्राफ्ट को मंजूरी के लिए गृह विभाग भेजा जाएगा, वहां से स्वीकृति मिलने के बाद उसे कैबिनेट में रखा जाएगा। आपको बता दें कि दोषियों के विरुद्ध 3 तरह की सजा का प्रावधान का ऐलान किया गया है, जिसमें गंभीर चोट पर दोषी को उम्र कैद तक हो सकती है,
लिंचिंग में किसी की चोट आती है तो दोषी को 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का दंड दिया जा सकेगा। अगर किसी को गंभीर चोट आती है तो दोषी को 10 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा और 3 से 5 लाख तक का जुर्माना देना होगा। तो अगर लिंचिंग की घटना में किसी की मौत हो जाती है तो दोषी को उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का मुआवजा देना होगा। साजिशकर्ता उकसाने वालों को भी सजा का प्रावधान लिखा गया है, क्योंकि कई तस्वीरें हमने ऐसी देखी हैं कि किसी ने ये बोला कि ये चोरी करके जा रहा था और उसके कहने के बाद जो भीड़ इकट्ठा होगी या किसी से उसकी दुश्मनी चल रही है उसके खिलाफ ये हथकंडा अपनाता है तो उसके लिए भी सजा का ऐलान किया गया है जो उकसाने वाला काम करेंगे। अगर कोई साजिश रचता है या किसी को लिंचिंग करने के लिए उकसाता है तो किसी ढंग का मदद पहुंचाता है तो उसे उसी ढंग की सजा दी जाएगी जैसा लिंचिंग करने वाले अपराधी को मिला है। अगर कोई अपराधी को गिरफ्तार करने में या सजा के दौरान बाधा पहुंचाता है तो उसे 3 साल की सजा और 1 से 3 लाख तक का जुर्माना देना होगा। लिंचिंग के अपराध से जुड़े किसी साक्ष्य को नष्ट करने वाले को भी अपराधी मानकर 1 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। क्योंकि कई तस्वीरें हमने देखी हैं कि जब लिंचिंग कर दी जाती है तो उसके संगठन के लोग थाने के बाहर जा करके उसको छुड़ा करके ले जाते हैं और अब अपराधी को बचाने जो भी सामने आएगा उसके लिए भी इसमें सजा का ऐलान कर दिया गया है। और साथ ही साथ हमने पुलिस के मिलीभगत के बगैर ये सब तथ्य जो हैं वो सामने नहीं आते। अगर अपराधियों के साथ पुलिस की भी संलिप्तता पाई जाएगी तो उसके खिलाफ भी सख्त कानून उठाया जाएगा। लिंचिंग का माहौल बनाया तो उसे भी मिलेगी सजा। अगर कोई लिंचिंग का माहौल तैयार करने में सहयोग करता है तो वैसे व्यक्ति को 3 साल की सजा और 1 से 3 लाख तक का जुर्माना देना होगा। दंडित प्रक्रिया संहिता के तहत जांच के जो प्रावधान बताए गए हैं वही प्रक्रिया यहां भी अपनाई जाएगी। इस अधिनियम से जुड़े अपराध गैर जमानतीय होंगे। इंस्पेक्टर से नीचे का कोई जांच अधिकारी नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में सब इंस्पेक्टर को अधिकृत किया जा सकता है। इसमें सब इंस्पेक्टर भी अपराधी के खिलाफ सजा देने के लिए पूरी तरीके से छूट दे दी गई है। ये ड्राफ्ट लाया गया है तो नोडल अफसर और अधिकारियों की जिम्मेवारी होगी। डीजीपी लिंचिंग को लेकर एक नोडल अफसर से स्टेट को ऑर्डिनेटर की नियुक्ति करेंगे जो आईजी रैंक से नीचे के अधिकारी नहीं होंगे। नोडल अफसर लिंचिंग की घटना की मॉनिटरिंग करेंगे। नोडल अफसर हर महीने लोकल इंटेलिजेंस के साथ बैठकर समीक्षा करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक जिले में एसपी या एसएसपी कोऑर्डिनेटर होंगे जिन्हें डीएसपी स्तर के अधिकारी सहयोग करेंगे। डीसी का अधिकार होगा कि लिंचिंग की आशंका हो तो वे लिखित आदेश जारी करें। ये तथ्य जो हैं तैयार किए गए हैं ड्राफ्ट के तौर पर और बेहतरीन कदम जो है वो बंगाल सरकार के बाद झारखंड सरकार द्वारा अपनाया गया है और एक आईना दिखाने का काम भी केंद्र सरकार को किया गया है झारखंड सरकार द्वारा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत। शुक्रिया।